15 दिन से सोच रहा हूँ 15 डेज कि बच्चों के लिए 1 महीने की स्ट्रेटजी बना के भेजूँ जिससे बच्चा हवाई जहाज हो जाए और 100 में 100% निकाल दे। पर बाई गॉड सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटजी समझ नहीं आई जिससे मैं आप सबको हवाई जहाज बना दूँ। सबका मतलब ये है कि एवरेज बच्चों को भी, टॉपर्स को भी, और जो बिलो एवरेज होते हैं उनको भी। भैया ऐसी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, आप खुद सोचो। देखो जिसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हिसाब से काम करता है, बट हाँ मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैं चाह रहा था आपको कुछ ना कुछ जरूर बताऊं। तो बच्चों आज मैं आपको ना कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूं, अगर आप बस ये पॉइंट कर लो, अपने दिमाग में पॉइंट बिठा लो अगले 15 दिन के लिए, 100% आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जिसकी जैसी कैपेबिलिटी होगी ना, वो उस हिसाब से पेपर को फोड़ के आ जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। अब देखो टाइम मैनेजमेंट ये क्या होता है, मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप चाहूँगी भाई तू 5 घंटे पढ़, तू 6 घंटे पढ़ने बैठ जा, तू सुबह उठ, तू रात को उठ, तू दिन में पढ़, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी जैसी फ्रिक्वेंसी वो वैसे पढ़ ले, उसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। मतलब आपको बोला ना टाइम बर्बाद नहीं करना। काफ़ी बच्चों घर का ना लेट नाइट का शेड्यूल होता है, मतलब फादर वादर की जॉब लेट नाइट तक होती है, तो वहाँ पर बच्चे लेट नाइट तक पढ़ते हैं और सुबह देर तक उठते हैं। काफ़ी घरों में बच्चे मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। तो बच्चों आप ना टाइम अपना मैनेज करना, किसी के कहने पर अपना शेड्यूल बिल्कुल मत चेंज करना। दूसरा पॉइंट, व्हाट टू स्टडी, क्या स्टडी करना, दैट इज मेन क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों आपको करनी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकल निकल कर आएंगे, तो एनसीईआरटी आपकी टिप्स में होनी चाहिए। दूसरा बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बस उन्हीं से डील करना। एमसीक्यूज तो बच्चों आप किसी बुक से कर सकते हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, आर्यन, जो भी आपके वट एवर द बुक यू हैव, जितने करोगे उतने बेटर हैं, जितने कर सकते हो, बट ये आपको जरूर करने हैं। सैंपल पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सीबीएसई बोर्ड ने निकाले हुए हैं वो जरूर कर लेना, क्योंकि पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद उसमें से काफ़ी सारा आने की उम्मीद है, या उसी के बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये 3 चीज़ आपको ज़रूर करनी है। डिवाइड योर कोर्स, देखो मैंने आपको बताया जिसकी इतनी कैपेबिलिटी वो उतना पढ़ सकता है, पर जो मैं आपको गाइड करूँगा ना, मैं आपको यही गाइड करूँगा, अपने कोर्स को इस तरह डिवाइड कर दो, 2 सब्जेक्ट पर डे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा कुछ, 1 घंटा कुछ, मतलब खिचड़ी सी पक जाती है, हो कुछ नहीं पाता। कुछ बच्चे सुबह से लेकर एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे रहते हैं और 5 घंटे बैठते हैं और आधे घंटे की भी उसमें ड्यूरेशन में कुछ नहीं हो पाता। तो बच्चों वो सब मत करो, 2 सब्जेक्ट पकड़ो एक दिन में, जो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोगों की अपनी स्ट्रेटेजी है जैसे आप फॉलो करते हैं। मैथ्स और अकाउंट डेली करना, कम से कम 1.5 घंटा, चाहे 10th का बच्चा हो चाहे 12th का बच्चा हो, मैथ्स डेली करना, क्योंकि मैथ्स की जितनी प्रैक्टिस होगी ना उतना ही मैथ्स स्ट्रांग होती है। बाकी 2 सब्जेक्ट आप डेली पकड़ लीजिए, मैथ्स साइंस, मैथ्स अकाउंट, मैथ्स SST, ठीक है, जो 10th के बच्चे हैं, एंड सो ऑन। आप समझदार हो, ट्रस्ट ऑन योर टीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपका टीचर, चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो कोचिंग का हो, आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हैं ना, उस टीचर पे ट्रस्ट करके चलो। कई बार बच्चे ना ट्रस्ट नहीं करते, क्या होता है, अपने फ्रेंड से पूछते हैं तेरे कोचिंग में आज क्या मिला, ला अपना मटेरियल मुझे दे, ये बहुत होता है। एक दूसरे का मटेरियल लेते रहते हैं, क्या आपके टीचर ने कराया, उसके टीचर ने कराया, मेरे टीचर ने करा रहा है, मतलब अपने टीचर पे ट्रस्ट करके चलो यार। जब आप पढ़ रहे हो, कोचिंग पढ़ा रहा है आपको, आपके स्कूल में पढ़ा रहा है, दैट मीन्स उसको आता है, उसको बहुत कुछ आता है, बहुत नॉलेज है। टीचर पर ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, एक चीज़ होती है लक फैक्टर, आपने सुना होगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत टॉपर, मुझे लगता है कि यार 100 में 100 निकाल देंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम देकर आते हैं, तो उनके नंबर ना 80s में रुक जाते हैं। इट इज़ अ लक फैक्टर। अब लक कैसे बनता है, वैसे तो लक कहते हैं कि बन नहीं सकता, लेकिन लक बनता है दोस्तों, बच्चों लक बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनता है। 2 बात बता रहा हूँ बच्चों, वो 2 बात कर लेना अगले 15-20 दिन, आपका लक सॉलिड बन जाएगा। सबसे पहले रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स एंड डू पूजा डेली। डू पूजा डेली का मतलब ये हो गया कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको फूल माला सब लेके बैठ जाना है ऊपर वाले के आगे कि प्रभु पास करा दे, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह उठो, उठते एक बार उसको हाथ जोड़ो, उसको नमस्ते करो, उसको याद कर लो, पेरेंट्स को विश करो और पेरेंट्स की दुआएं लो, सफिशिएंट है, आपका लक बन जाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपको क्या नहीं करना, डोंट वॉच वीडियोस, किसी भी र्यूमर की कोई भी वीडियोस आपको नहीं देखनी। अब वीडियो देखना छोड़ दो कि सीबीएसई बोर्ड ने ये बोला, सीबीएसई बोर्ड ने वो बोला, पेपर ऑनलाइन हो सकता है, पेपर ऑफलाइन हो सकता है, पेपर में क्या आएगा, मतलब सब बेकार की बातें, आप छोड़ दो। 15 दिन है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे ध्यान दो और कुछ नहीं करना आपको। लेस स्क्रीन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
और मुझे लगता है कि शायद ये बहुत कम बच्चे कर रहे होंगे। जो भी आपको सैम्पल पेपर करना है उसका प्रिंट आउट लो, फिजिकली सारे के सारे ख़त्म करो, मोबाइल वगैरह छोड़ दो, हाथ चलाओ, पेन चलाओ, पेंसिल चलाओ, अपने आप सॉल्व करो। बच्चों जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपका उतना ही फायदा होगा। स्क्रीन टाइम जितना कम कर सको उतना कम करो, यही इस वक्त आपको करना है। और सबसे बड़ी बात, नो लैपटॉप मोबाइल टीवी के साथ साथ इंस्टा और शॉर्ट वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो शॉर्ट वीडियो है ना, ये बीमारी है, बीमारी। कुछ लोग बनाते भी होंगे, मैं भी बनाता हूँ, आप देखते भी हैं। तो बच्चों ये जो बीमारी है ना शॉर्ट वीडियो की और इंस्टाग्राम की, ये बिल्कुल छोड़ दो 15 दिन के लिए। यार क्या बिगड़ जाएगा छोड़ दोगे तो, कुछ होगा थोड़ी ना, छोड़ दो 15 दिन बाद देख लेना, जितना मर्जी देखना, 15-20 दिन बाद देख लेना। जब आपका पेपर सॉलिड चला जाएगा ना तो भाई साहब मज़ा भी आएगा देखने का, पेरेंट्स ही मना नहीं करेंगे, आपको अपने साथ बैठाएंगे कि ला बेटा मैं भी देखूं तेरे साथ। तो ये मुझे आपको बताना था, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, और क्या नहीं करना ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको बता दिया, आपको समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड बच्चों, फोड़ कर आना, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेकर आऊँगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। बाय एवरीबॉडी।